निकाय चुनाव का प्रचार शाम 5 बजे थम गया। सभी प्रत्याशी अब 29 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। मेयर पद के लिए 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें से एक प्रत्याशी है सुहेल देव समाज पार्टी के रोहतास शर्मा, जिनसे पब्लिक टीवी ने बात की। जब आप इस साक्षात्कार को देखेंगे तो प्रत्याशी रोहतास शर्मा की बातें सुनकर आप भी अपना सर पीटने लगेंगे। ना तो उन्हें ये पता है कि पूर्व में विकास के क्या काम हुए हैं और ना अपनी पार्टी की स्थापना के बारे में ही कुछ बता पाए हैं। उल्टे कहने लगे हैं कि इनकी जवाबदेही तो मंत्री जी की है। रोहतास शर्मा ने कहा है कि उन्होंने मंत्री जी की जीवनी नहीं पढ़ी। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम पूछने पर कहने लगे कि ये सवाल मत पूछो, बस चुनाव की बात करो। उनसे पूछा कि उनके मुद्दे क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि यातायात, सफाई, प्रदूषण, इस पूरे साक्षात्कार में हमें लगा ही नहीं कि हम किसी रिटायर्ड जूनियर इंजीनियर से बात कर रहे हैं। अब आप ही तय कीजिए कि ये आपकी कसौटी पर कितना खरा उतर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं भारतीय सुहेल देव पार्टी जो मेयर है पद के प्रत्याशी है रोहतास शर्मा जी। आज हम उनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर चुनाव में खड़े हुए हैं। रोहतास शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप चुनाव लड़ रहे हैं, मेयर पद के प्रत्याशी है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आप आए हैं? हमारे तीन मुद्दे ये शहर हमारा प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, प्रदूषण कम। इनकी बात करें पूर्व मेयर की, तो महाराष्ट्र में पूर्व मेयर ने कितना क्या करवाया? वो तो कोई बता सकते हैं, मुझे भी बता दें क्या है क्या नहीं। मेयर को करना चाहते हैं और उन्होंने विकास के लिए ऐसा नहीं है कि उनका नहीं बार उन्हें रिपोर्ट दिया है तो उसी में सांसद भी होगा। आपके हित का आधार क्या है? मेरा जीत का आधार ये, मैं तो पब्लिक सर्विस मेरा अधिक से अधिक वोट मिला है। चुनाव में और भी प्रत्याशी मैदान में है, आप अपने चक्कर किससे मानते हैं? मेरी किसी से टक्कर नहीं, मैं तो वही चार कर रहा हूँ, तो पब्लिक ही टक्कर दे सकती है। जैसे भी करें जैसे विकास को लेकर क्षेत्र में है, तो आपको क्या लगता है कि अपने क्षेत्र में क्या कमियां हैं? कमियां तो बहुत है क्षेत्र में, लेकिन सभी कमियां नहीं की जा सकती। हर मुद्दे को लेकर अलग अलग काम होते हैं। जैसे सफाई व्यवस्था मान लीजिए कोई नाराज जो पड़ा है, उसकी सफाई होनी थी, वना उसका निर्माण होना चाहिए, क्योंकि नालियाँ उनका अपना निर्माण हो जाए, सफाई व्यवस्था सही हो जाए, उसकी कमियाँ दूर हो जाती। और एक सवाल और विकास है एक तो यातायात, जिससे कि बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑफिस के काम तो सरकारी कर्मचारी जा रहा है, तीसरा मुद्दा सबसे अहम ये है कि हमारा शहर सेवा तीसरे नंबर पे है। सवाल है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो भाई हमारे माननीय मंत्री जी बता सकते हैं, लोग आने वाले जीवन सही नहीं ये बताना भी ठीक है। अच्छा, एक भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनका पूरा नाम क्या है? अरे वो तो पहले आप बात करिए कि उनकी आरक्षण की बात करें, इस तरह की बात करें नया यार के आने का किसी नाम का चलो प्रॉब्लम चलेगा ना बता दीजिए। उसमें जो है आरक्षण की बात करिए आप, मुद्दों से लेकर क्या बात करें आपके फ्यूचर के लिए कंसर्न करने की बात करना है क्या? ये तो सिर्फ मीडिया बोल रही है। विकास आपके द्वारा अगर क्षेत्र में अगर बच्चे हैं विकास करते हैं क्या आ रहे हैं आपके मन का विकास रहेगा? मैं आपको बता दूँ तीन ही मुद्दे हैं हमारे, प्रथा भी प्रमुखता भी, अगर पब्लिक हमें चुनती है तो उसको सामने आ जाएगी। मतलब
महानगर वासी सबसे ही बोलते ये थे हमारे साथ तो मेयर पद के प्रत्याशी बात ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मेयर पद के प्रत्याशी रोहतास शर्मा जी अब ये नहीं होगा कि 29 नवंबर को जनता इन पर कितना विश्वास जताती है अपने सहयोग की मन सुनना के साथ पब्लिक टीवी इंडिया हो रहा है।